ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार, यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसे आज के वर्तमान परिवेश में अब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्रासंगिक है, ये आज के समय के लिए बात है और ये इसी समय का ज्ञान है। परमात्मा आज आकर जब इन चीजों को बताते हैं तब लिखी हुई बात भी स्पष्ट होती है, वरना गीता तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, मगर परिवर्तन का समय अब है जब हम चीजों को देख पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गीता में हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। प्रयास यही है कि इस कार्यक्रम के दौरान हम इन बातों को बेहतर समझें, परमात्मा के दिए हुए सत्य ज्ञान को, सच्ची गीता सार को समझें। हमारे साथ आज स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। हमने चर्चाओं के दौरान ये बात भी समझा है कि श्री कृष्ण देवता हैं और बहुत सारे देवताएं हैं जिनको हम देवताएं नमः कहते हैं। सिर्फ एक ही शिव के आगे हम ये कहते हैं कि शिव परमात्मा है नमः। तो यहाँ से ये पता चलता है कि परमात्मा एक है। हम अक्सर ये भी कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हे भगवान एक ही बार कहते हैं। अनेकों देवता होते हुए भी देवताओं के लिए हम देवताएं कहते हैं, बट भगवानों नहीं कहते या परमात्माओं नहीं कहते, वो एक ही है, ये हम सभी पुकारते हैं। ये कहने के बावजूद भी बहुत बार ये चीज सुनने को जब दूसरे जगह हम देखते हैं कहीं कहीं पर लोग ये कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो ऐसे में तर्क नहीं बैठता, ये कैलकुलेशन सही नहीं बैठता। एक जगह तो हम कह रहे हैं कि देवताएं अनेक हैं, श्री कृष्ण भी एक देवता है, और परमात्मा जब एक है तो आत्मा ही परमात्मा कैसे हो सकती है? देखिए, सबसे मजे की या हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े विद्वान दो शब्द हैं, अगर डिक्शनरी में दो शब्द हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, अलग अलग लिखे हुए हैं तो जरूर अलग होंगे। तो सीधी बात है कि आत्मा और परमात्मा दो शब्द हैं, एक कैसे हो सकते हैं? एक तो मोटी बात है, फिर भी बड़े बड़े विद्वान इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। लिखा होता है उसको वो समझते बहुत बड़ी, हमने बहुत बड़ी एक ऊंची बात कह दी, और वो हमको क्या कहते हैं, अगर आप उनको कुछ कहने की कोशिश करें तो कहते हैं बहुत ऊंची बात है, आपकी समझ में नहीं आ, क्योंकि वो बड़े महात्मा आदि होते हैं, विद्वान होते हैं, तो समझते हैं कि ये हम ही समझ सकते हैं। लेकिन मोटी बात है, जब हम एक मनुष्य को देवता भी नहीं कहते, मनुष्य को मनुष्यों की कैटेगरी में रखते हैं, उसको देवता भी नहीं कहते, तो फिर उसको परमात्मा कैसे कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है? मोटी बात है ना ये तो। और फिर कितना इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि परमात्मा को याद करते हैं, तो क्या परमात्मा परमात्मा को याद करता है? परमात्मा को पुकारते हैं, उसको पतित पावन और कह के कहते हैं, जब दुख होता है उसका ध्यान करते हैं, लेकिन फिर हम कह देते हैं आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन हर चीज़ की कोई जड़ ज़रूर होती है, बुनियाद जरूर होती है, ऐसे नहीं कोई चीज़ प्रचलित हो जाती। तो हुआ ये था कि परमात्मा जब धरती पर आए
तो उन्होंने हमको प्रथम ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ठीक है। शरीर और परमात्मा का कोई लिंक नहीं है, शरीर के पिता अलग हैं, शरीर की दुनिया ही अलग है और आत्मा और परमात्मा की दुनिया ही अलग है। तो उन्होंने जब हमें ये समझाया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो आत्मा की समानता बताने के लिए परमात्मा ने कहा, देखो ये शरीर साकार है, तुम निराकार हो, तुम आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, निराकार तुम्हारी हस्ती है और मैं परमात्मा भी निराकार हूँ। तो समानता बताई कि आत्मा और परमात्मा एक हैं इस दृष्टिकोण से कि दोनों निराकार हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम आत्मा के रूप में मेरे ही परम धाम में रहते हो, परलोक में रहते हो, इसलिए तुम कहते हो जब आत्मा शरीर छोड़ती है ये परलोक सुधार गया। मैं जैसे निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, इसी प्रकार से तुम भी निराकार ज्योति स्वरूप। और वो इशारा करते हैं कि जो मेरे मंदिर शिवलिंग के बने हुए हैं उसमें तुम भी दिखाए जाते हो शालिग्रामों के रूप में, लेकिन तुम आत्माओं के रूप में दिखाए जाते हो, मैं परमात्मा के रूप में दिखाए। ना तो तुम्हें कोई क्रिएट कर सकता है ना मुझे, हम दोनों अनादि अविनाशी हैं। तो परमात्मा ने आत्माओं की जो सिमिलैरिटी आत्माओं की बताई अपने साथ, उसको लोगों ने गलत अंडरस्टैंड करके ये कह दिया आत्मा ही परमात्मा है। जब परमात्मा ने रचा इस सृष्टि को ये कहा जाता है, दूसरे ग्रंथों में भी हम ये चीज सुनते हैं कि परमात्मा के स्वरूप के रूप में ही उसने आत्माओं की रचना की। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, ये चीज सुनते आए। अब यही चीज हम कई जगह कई गुरुओं के पास भी हम ये सुनते हैं, कहीं कई लोग जब मंत्र देते हैं तो ये मंत्र भी सुनने को मिलता है कि सो हम ये बात भी सुनने को मिलती है। और इसे सुनने से ऐसा लगता है कि हाँ हम ही वो हैं, वही हम हैं। अब देखिए ना कि जैसे परमात्मा ने आत्माओं की सिमिलैरिटी बताई, तो आप देखेंगे कि ये जो हम कहते हैं परमात्मा ने आत्माओं को अपने छवि में रचा, तो उसका भाव ये है कि अपने गुण जो परमात्मा के गुण हैं वो आत्माओं में भरे, अर्थात परमात्मा प्रेम के सागर हैं तो हम आत्माओं को प्रेम स्वरूप बनाया, परमात्मा शांति के सागर हैं तो हमें शांति स्वरूप बनाया, परमात्मा ने हमें ज्ञान स्वरूप बनाया, शक्ति स्वरूप बनाया, इस प्रकार से अपने छवि में रचा। अर्थात जो आत्मा खाली खाली थी, जो आत्मा जानती भी नहीं थी मैं आत्मा हूँ, तो अपनी सब क्वालिटीज खो चुकी थी बॉडी मान के, अपने आप को प्रेम की जगह घृणा में ले आई थी, शांति जगह उल्टा किया हुआ था, तो उसको सुलटा करने के लिए भगवान ने उसको रचा। तो ये बिल्कुल कहना ठीक है, परमात्मा ने आत्माओं में अपने गुण भरे, आप समान बनाया। अच्छा, इसको उन्होंने क्या ले लिया, इसको उन्होंने फिर ये लिया कि परमात्मा आत्मा है, आत्मा परमात्मा है, और यहाँ तक कह दिया कि सभी रूप परमात्मा के, यानी सब में परमात्मा ही बसता है। तो भगवान ने कहा था मैं आत्मा बनाया है, आत्मा मेरे जैसे समान है, इतनी मेरी तरह की क्वालिटीज वाली है उसको, लेकिन आत्माएं अलग अलग हैं, अनेक हैं, मैं एक हूँ, मैं सोर्स हूँ। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया फिर कि सब स्वरूप परमात्मा के ही हैं, और परमात्मा ने आत्माओं में गुण भरे तो आत्माओं के अंदर, शरीरों के अंदर वो गुण थे, सब रूप परमात्मा के, परमात्मा ने ही अनेक रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया हम सो हम, हम आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। लेकिन रचना में रचता का गुण होता है, और परफेक्ट रचता का गुण परफेक्ट रचना में होता है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता ये रचेता है। एक बहुत अच्छी पेंटर पेंटिंग बनाता है जिससे उसका नाम सिद्ध होता है कि उसने बनाई हुई है, लेकिन इसका ये उसकी कला उसमें है, ये तो नहीं कि वो पेंटर खुद ही उसमें है, वो तो अनेक पेंटिंग बना सकता है, आत्माएं अनेक हैं। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कहते हैं, एक तो कहते हैं कि सभी रूप परमात्मा के हैं, अगर सभी रूप परमात्मा के ही हैं तो फिर पूज्य कौन, पुजारी कौन, परमात्मा को पिता कहने वाला कौन, फिर वही बात आ जाएगी
कि बच्चों में सभी रूप पर पिता के हैं, लेकिन बच्चे तो रचना है, ये थोड़ी नहीं कहेंगे पिता के इसमें गुण है। कहा जाता है पिता पर पूत जात पर घोड़ा, लेकिन इसका ये मतलब तो पिता बच्चे में है, तो हम सो हम कहने का गलत अर्थ उन्होंने बना लिया। तो एक तरफ कहते हैं सभी रूप परमात्मा के हैं, और दूसरी रूप ये भी कहते हैं परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, अर्थात उसका कोई रूप नहीं। अब ये एक और गलत फहमी है कि निराकार है। अब निराकार का अर्थ उन्होंने क्या ले लिया, नहीं जिसका कोई आकार, यानी जिसका कोई रूप ही नहीं है, फिर उसको ये अर्थ में ले लिया। एक तरफ स्वरूप भगवान के एक एक्सट्रीम, दूसरी तरफ कोई उसका रूप कोई रूप ही नहीं है। तो फिर परमात्मा बताते हैं कि मेरा साकार रूप नहीं है, सापेक्ष शब्द है, मेरा निराकार स्वरूप तो है, मैं परम आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, तुम्हारा निराकार स्वरूप है। वो समझाते हैं कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए और 100 व्यक्ति एक वक्त शरीर छोड़ दें, तो उनकी 100 आत्माएं निकलेंगी। अच्छा, उनकी 100 की अपनी अपनी अस्तित्व तो है, जो अपने अपने अगले जन्म में जाएंगे, जो अपनी गति को पाएंगे, विक्स तो नहीं होंगी। तो अब अलग अलग उनका निराकार स्वरूप है तो सही, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे में जाती है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगती है। आपके सामने कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है, तो आत्मा भोगती है। तो अब आत्मा का ऐसे तो कहेंगे नॉन एंटिटी, क्योंकि कोई भी चीज जो है एग्जिस्टेंस होती है उसका स्वरूप जरूर होता है, कोई भी अस्तित्व होता है तो बिना स्वरूप के तो होता ही नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम उन्होंने पकड़ लिया। ये जब बात आप कहते हैं तो ये पता चलता है कि हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं, एक तरफ वो कर रहे हैं, और दोनों एक्सट्रीमिटीज हैं। तो यहाँ ही पता चलता है कि यथार्थ बात नहीं है कि हम आत्मा को परमात्मा कहना, और आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। तो और हम शब्द ही जोड़ते हैं, परम आत्मा कह रहे हैं कि अगर वो परम है तो फिर सभी को परमात्मा परमात्मा ही कह देकर किसी को आत्मा बीच में भी है। फिर बीच में महात्मा है, देव आत्मा है, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, पतित आत्मा है, इतनी वैरायटी है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, हर एक कैटेगरी बीच में है ना, या तो कहें ये और ये है फिर तो ठीक है। अब आपने कहा हम सो हम। अब पहली बात, अगर सब जगह हम ही हम हो तो भी हम सो नहीं कह सकते, और सभी जगह सो ही सो हो तो भी हम नहीं कह सकते। अच्छा, हम सो हम मीन्स कि मैं कभी वो था जो मैं आज बना हूँ। एक व्यक्ति आज गरीब हो गया है, दरिद्र हो गया है, तो कहता है कि भाई किसी जमाने में मैं नवाब था, आज मैं ये हो गया। तब तो बताता है हम सो हम। जैसे भारतवासी भी कहते हैं हम सो देवता थे, सतयुग में थे, इतने श्रेष्ठ भारत था, दूध की नदियां बहती थी, सोने की, आज देखो हम लोन ले रहे हैं। तो ये कहने से ये भी पता लगता है कि दो स्टेजेस हैं। दो स्टेजेस डज नॉट मीन के दो एक ही आत्मा के दो अस्तित्व हैं, अर्थात वो भी मैं हूँ, मैं भी वो, ऐसा नहीं है, बीच में गैप है। तो वो इसको डिस्क्राइब करता। तो हम सो हम का ये मतलब नहीं है कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ या परमात्मा आत्मा बना हुआ है, बल्कि ये है कि हम आत्मा जो आज पतित आत्मा है, सो पावन आत्मा थे। इसलिए मंदिर में देख लो कि हम अपने ही पावन स्वरूपों के पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारा संबंध होगा, कुछ उनमें श्रेष्ठता होगी, जो हम कहते हैं हम तेरे चरणों की धूल हैं, हम उनका चरणामृत लेकर पीते हैं, हैं? तो फर्क हो गया कि नहीं हो गया? हम चरणों के दास हैं, किसके? देवताओं के बताते हैं। तो परमात्मा के तो चरण है नहीं ना, परमात्मा को कोई दास चाहिए, ये शरीर बात है। इसको उल्टा ले लिया उन्होंने जी। जैसे आज हम विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब तो हम एक ऐसे पोजीशन पे है जब हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से समस्या का कारण है आज जो भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी है, भुखमरी है, सारी चीज़ों की समस्या के लिए हम रूट कॉज वहाँ ले आते हैं कि भाई पॉपुलेशन को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे समस्या। और फिर हम ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो फिर कभी ये भी लगता है कि अच्छा परमात्मा के होने से प्रॉब्लम हो रही है।
हाँ देखिए, आज विश्व के हर देश में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पॉपुलेशन कंट्रोल, और हैरानी की बात यह है कि वो मनुष्यों की पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है, घोड़े की, गधे की, जानवर की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे। शेरों की पॉपुलेशन को बचाने के लिए खास बजट में पैसा रखा जाता, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है क्रिएशन ऑफ गॉड, उसकी हम पॉपुलेशन बंद कर रहे हैं। तो ये भी एक विचित्र, ये एक अलग विषय है, कभी आप इसको लेंगे तो आपको बड़ी हैरानी और खुशी होगी कि हम किस प्रकार से अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ना तो आत्मा बन सकती है, ना आत्मा एकांत हो सकता है, अनादि और अविनाशी है। सिर्फ ये देखना है कि इनका सिस्टम क्या है, आत्माएं आती कहाँ से हैं, और क्या वो एक गिनती की आत्माएं हैं या परमात्मा के टुकड़े होते जा रहे हैं और आत्माएं बढ़ती जा रही हैं। इवन एक पेड़ जिसकी गीता में मिसाल दी गई, बड़ वृक्ष जो है, वृक्ष के बीज के अंदर भी एक DNA होता है, इसके इतने पत्ते बढ़ेंगे, उससे एक पत्ता भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब फुल्ली ग्रोन वृक्ष होता है तो कोई देखेगा ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एक दिन ये सारी दुनिया के ऊपर छा जाएगा। तो ये गलत फहमी और इग्नोरेंस है। तो भगवान कहते हैं, जब मैंने बताया है, सत्य बताया कि आत्माएं लिमिटेड नंबर की हैं, और आत्माएं परम धाम से, जहाँ जिसको परलोक कहते हैं, एंट्री वर्ल्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, आत्माओं की दुनिया कहते हैं, खास बात है परलोक। लोक मींस ओनली जिसमें बहुत लोग रहे, जैसे गांव होगा तो उसमें थोड़े रहेंगे, शहर में पूरा लोक है। परलोक में अकेला परमात्मा रहे तो उसको लोक नहीं कहेंगे, उसको परमात्मा का घर परम धाम कहेंगे। उस लोक में आत्माएं रहती हैं, परमात्मा भी रहते हैं, और परमात्मा ने बताया है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है, कंप्लीट होने पर फुल स्टॉप लग के रिन्यू हो जाता है, वो ट्री की तरह दोबारा पौधा उगता है। अगर इसको कोई समझे तो समझेगा परमात्मा के अंश नहीं है, परमात्मा के वंश हैं, अविनाशी वंश हैं, परमात्मा के समान आत्माएं हैं, उनके गुणों वाली हैं। अंश हो तो पहली बात है कि परमात्मा के टुकड़े हो रहे हैं, और इस गलत फहमी से फिर और गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। तो जब हम अपने आप को परमात्मा का अंश समझते हैं तो जैसे परमात्मा है वैसे ही हम भी होने चाहिए। जैसे परमात्मा ये कहते हैं कि तुम मेरे जैसे ही हो, मेरे जैसा ही तुम्हारा स्वरूप है, मगर अगर हम परमात्मा का ही पार्ट समझ ले अपने आप को, हम भी परमात्मा का अंश हैं ऐसा समझें, तो फिर आत्मा के पाप पुण्य के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हम ये भी कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। हाँ देखिए, जब हम एक गलती करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए अन्य गलतियों को भी हमें कुछ ना कुछ सिस्टम में फिट करना पड़ता ताकि वो पूरा लॉजिकल लगे। पहली बात तो परमात्मा परमात्मा ही है, सदा परमात्मा है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और टुकड़े होने की वजह क्या होगी? वो कहते हैं अज्ञान के कारण हम परमात्मा से अलग हो गए। तो परमात्मा में कौन सा अज्ञान पैदा हो गया जिससे वो अलग हो गए? अंश तो हो ही नहीं सकते, इसलिए परमात्मा को सदा शिव कहा जाता। पहली क्वालिटी यह है कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, जन्म मरण में नहीं आता। ये हम तो जन्म मरण में आ रहे हैं, तो हम परमात्मा के समान होते अगर जैसा कहा जा रहा है तो हम कभी जन्म मरण में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, अब आ गए क्योंकि उन्होंने कह दिया अंश है। अब आप देखिए, परमात्मा कर्म भोग से न्यारा है, दुख सुख से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, अर्थात उस पर किसी चीज का लेप विक्षेप नहीं लग सकता। अब क्योंकि अंश कह दिया तो पार्शली हमने ये कहना शुरू कर दिया कि आत्मा भी निर्लेप है, उसको अच्छे बुरे का, कर्म भोग का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अंश बताना है। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि अंश में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जब वो ठीक हो जाएगा उसमें मिल जाएगा। अगर गड़बड़ है तो लेप विक्षेप तो लगा हुआ है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब जब ये कह दिया आत्मा में लेप विक्षेप नहीं लगता तो दुख सुख किसको हो रहा है? सुख भी एक श्रेष्ठ कर्म का फल है, दुख एक गलत कर्म का फल है। तो दुख सुख फिर वो कहते आत्मा को नहीं होता। अब देखिए कैसी वंडरफुल बात है, दुखी हो रहे हैं
और दुख सुख आत्मा, वो ये मानने लग जाते हैं कि दुख सुख शरीर को होता है, अर्थात यहाँ चूंटी काटेंगे तो यहाँ दर्द हो रहा है, ये नहीं जानते कि दर्द तो आत्मा को हो रहा है जहाँ वो है। डेड बॉडी के चूंटी काटो तो कहाँ दर्द होता है। तो भगवान कहता है ये छोटी बात को ना समझ के उन्होंने मिक्स करके टोटल कंफ्यूजन पैदा कर दिया। फिर अगर पाप और पुण्य शरीर को लगता है तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है अगले जन्म में जाती है, अगले जन्म में उसको अपने क्वालिटी के अनुसार जन्म मिलता है, पाप पुण्य वहाँ भी दुख सुख भोगती है बच्चे के रूप में ही। आत्मा आप देखेंगे गर्भ में भी कई बार आत्मा डिफेक्टिव होती है, दुखी होती है, रोती है, बाहर निकलती है तो कोई ना कोई शारीरिक डिफेक्ट निकल आता है, कोई अंधाई पैदा हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, तो वो फिर क्या लाई थी अपने साथ अगर वो निर्लेप ही थी, शुद्ध ही थी, जो आके उसको ये दुख सुख भोगना पड़ रहा है। तो पूछो अच्छा गलत काम, अच्छा काम तो होता, कहेंगे हाँ जी, वो किस पर असर करता है? आत्मा तो निर्लेप है। तो फिर उन्होंने एक और कथा बीच में जोड़ी है कि एक सूक्ष्म शरीर होता है उसको लगता है, अब वो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, तो सीधे क्यों नहीं कह देते कि आत्मा को लगता है? अब सूक्ष्म शरीर होगा, मान लो मैं आयु से बड़ी आयु से शरीर छोड़ता हूँ तो मेरा सूक्ष्म शरीर तो बहुत बड़ा होगा, उसी रूप में निकलेगा जैसे सपने में निकलता है, तो मैं जाकर के बच्चे के रूप में कैसे सूक्ष्म शरीर धारण कर लूंगा और फिर वो कब खत्म होगा? आखिर तो आत्मा ही लेके गई ना, उस लिए उनको कई कहानियां बनानी पड़ी। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ऐसा कहने से, आत्मा निर्लेप है कहने से वास्तव में उन्होंने पाप पुण्य को, कर्म की फिलॉसफी को समझा नहीं है और इससे विकर्म को बढ़ावा मिला। क्यों? आत्मा तो निर्लेप है, जो कुछ मर्जी करो, पाप करो, पुण्य करो, आत्मा को तो कुछ लगना ही नहीं। इससे और ही ज्यादा व्यक्ति अंधविश्वास से गलत रास्ते में चलेगा। बहुत ही खूबसूरत बात कि सिर्फ एक गलत अंडरस्टैंडिंग की वजह से, आत्मा को परमात्मा समझ लेने से, सारा ही खेल में हम देखते हैं कि और ही ज़्यादा पतन की और ही ज़्यादा अधोगति की ओर हम आगे बढ़े। गीता में ये चीज़ बताई जाती है, परमात्मा बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तो तुम आत्मा हो की जगह फिर गीता में यही लिख दिया होता कि तुम परमात्मा हो। हाँ, मेरे स्वरूप हो, मेरा ही रूप हो। हाँ, ये चीज़ों से बहुत ही सुंदर बात समझ में आती है कि भारत में ये जो हमारी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं में सच्चाई से जितने हम दूर होते गए हैं उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं। भारत में अनेकों ग्रंथों की बात आती है, अनेकों धर्मों की बात, अनेकों मान्यताओं की बात आती है, हर कोई अपने अपने फिलॉसफी के हिसाब से अलग अलग थॉट्स लोगों ने दिए हैं। अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि ऐसे में जब भारत में ये मान्यताएं हुई हैं तो ऐसे में भारत का मूल धर्म क्या है, भारतवासियों का मूल धर्म ग्रंथ क्या है? देखिए ये तो एक बहुत लंबा विषय है, परंतु एक बात आप मोटे रूप से जान ले, जब व्यक्ति धर्म पर चलते हैं तो उनका ग्रंथ नहीं होता। सतयुग को ले लीजिए, सतयुग में आपके ख्याल में सोचिए क्या देवी देवता कोई शास्त्र पढ़ते होंगे? नहीं, है ना। तो इसलिए वहाँ ना ग्रंथ होता है तो फिर धर्म होगा कोई? हम कहेंगे कि देवी देवताओं का क्या धर्म था, जैसे हम कहते हैं क्रिश्चियंस का धर्म है क्रिश्चियन, देवी देवताओं का कोई धर्म था? कभी ऐसा जिक्र आया ही नहीं कभी, तो देवी देवता थे बस। तो देवी देवता में धर्म भी आ गया, धारणा भी आ गई, और उनको किसी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप यूँ देखिए कि जब हम कहते हैं कोई साधु तो उसका मतलब होता है साधु, मैंने साधक, साधना करने वाला, किसी चीज़ की प्राप्ति की। जब प्राप्ति हो जाए तो फिर वो साधु नहीं कहलाता, है ना। आप स्कूल में ही ले लें, हम मान लो छठी क्लास में पढ़ते थे तो छठी क्लास में हमारे ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, हमने पढ़ी। अब जब छठी क्लास पूरी हो गई तो हम चाहे थर्ड डिवीज़न में पास हुए चाहे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, क्या दोबारा हमने कभी छठी क्लास की पुस्तकें पढ़ी हैं? जी नहीं, पूरे हो गया ना, तो सातवीं की आएंगी। इसी प्रकार से अगर हम ये समझें ये ग्रंथ क्या है तो एक जन्म नहीं
हम जन्म जन्म इनको पढ़ते आए हैं, जन्म जन्म। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति कहे कि मेरी किताबें नहीं बदलती और वो भी जन्म जन्म नहीं बदलती, तो मतलब क्या हुआ? ये है भाव। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है और ये बताता है कि कहाँ सिंपल सी गलतियाँ हम करते हैं और उन गलतियों की वजह से बहुत बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में भी कहते हैं कि अगर आप कैलकुलेशन में एक जगह गलती करते हैं तो आउटकम पूरा आपका गड़बड़ हो जाता है, और आत्मा सुपरमात्मा कहने से भी ऐसी ही गलतियाँ हुई हैं। और भी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, आज वक्त इतनी ही इजाज़त देता है। आज आप स्टूडियो में आए और इन बातों पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांत। दोस्तों, गीता कितने स्पष्ट शब्दों में ये चीज समझाती है कि परमात्मा आपको परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो। तो यहीं पर यह चीज सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं और साथ साथ हमें यह एहसास दिला रहे हैं कि हम कौन हैं। और अगर हम इसी परिचय को भूलकर आत्मा ही परमात्मा समझने लगे तो फिर शायद सृष्टि पर आज जो चीजें हो रही हैं उसे समझने का कोई तरीका ही नहीं रहता। पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा कहकर लोगों की आइडेंटिटी आत्मा से करने का कोई भाव ही नहीं बैठता। आज के एपिसोड में जो चर्चा की है, मैं समझता हूँ वो आप सबके लिए एक रोचक अनुभव रहा होगा, एक चिंतन का विषय रहा होगा। आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।